अब हम लोग भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के चैप्टर वैद्युत चालन को पढ़ते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग है आपकी वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या है? जब कोई आवेश गति करता है तो वह अपने पीछे एक प्रभाव छोड़ता है, इस प्रभाव को ही कहते हैं वैद्युत धारा। यानी यूं कह सकते हो आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहा जाता है। जब तक आवेश गति नहीं करता वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब इसकी परिभाषा देखिए, यानी इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर के बराबर होती है। यूं कहिए चाहे प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश के बराबर होती है। दोनों परिभाषाएं चलेंगी। इसे आई छोटा आई या बड़े आई से लिखते हैं, तो आई बराबर अगर क्यू बटे टी है तो क्यू चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश होगा। तो अगर किसी चालक में क्यू आवेश टी सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें वैद्युत धारा का मापन हो जाता है या सूत्र हो जाता है I बराबर क्यू बटे टी। आई का मात्रक यहाँ से कूलाम पर सेकंड हुआ तो इसे एम्पियर कहा जाता है। तो इस प्रकार आई का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और वैद्युत धारा यानी आई एक मूल भौतिक राशि है, इसका मात्रक जो एम्पियर है वो मूल मात्रक कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग तो अब यहाँ पर Q और T लिखा हुआ है I बराबर, तो Q भी अदिश राशि, T भी अदिश राशि, दोनों अदिश राशियां आते हैं, वैद्युत धारा भी अदिश राशि होती है। अब हम लोग एक एम्पियर की और इसकी बीमा लिखने के लिए कैपिटल A लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A लिख देते हैं तो वैद्युत धारा की बीमा हो जाती है। अब यहां अगर हम एक एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा देना चाहें तो Q बराबर एक कूलाम ले लें और T बराबर एक सेकंड, तो I बराबर एक कूलाम बटे एक सेकंड यानी एक एम्पियर हो जाएगी। तो किसी चालक में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा एक एम्पियर होती है। एक एम्पियर की परिभाषा हो गई। और भी एक एम्पियर की परिभाषा इलेक्ट्रॉनों के बहने के टर्म में होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो अगर एक कूलाम की बात करें तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹ ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो याद रखें 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ प्रवाहित हो रहे हों तो एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा होता है। तो हम यूं परिभाषा कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजरते हैं तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा एक एम्पियर होती है। तो वैद्युत धारा एक एम्पियर की परिभाषा यूं भी दी जा सकती। अब यहां से हम लोगों ने देखा कि वैद्युत धारा आई जो है अदिश राशि है, क्योंकि क्यू भी अदिश टी भी अदिश, लेकिन किसी चालक तार में या किसी परिपथ में हम लोग वैद्युत धारा की दिशा को तीर से प्रदर्शित करते हैं तो उसमें तीर किस तरह से लगाया जाता है जिससे कि वैद्युत धारा का ज्ञान हो जाए, वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान। तो यदि आई एक सदिश राशि परंतु किसी चालक तार में इसकी दिशा उस ओर तीर लगाकर प्रदर्शित की जाती है जिस ओर धनावेश गति करता है या माइनस ऋण आवेश यानी माइनस ये सॉरी ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में तीर लगाया जाता है। तो याद रखना कि वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम उस ओर तीर लगाते हैं जिधर धनात्मक आवेश गति कर रहा हो या फिर जिधर उसके विपरीत दिशा में ऋण आवेश के गति के विपरीत दिशा में तीर लगा दिया जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं हमें मालूम है और इनके गति से जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में बनाई जाती है, तीर द्वारा दिखाई जाती है। तो ये है वैद्युत धारा के बारे में जानकारी।